प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए गए जनमंच को झंड मंच करार दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि जिस तरह से सरकार जनमंच में लोगों की मांगों की अनदेखी कर रही है, उसका जवाब उन्हें जनता ही देगी। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री ने जनमंच में जिस तरह से लोगों के सामने तानाशाही प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है, उससे यही लग रहा है कि जनमंच नहीं झंड मंच है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों की बयानबाजी के कारण प्रदेश की संस्कृति भी प्रदूषित हो रही है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ऐसे बयान देने वाले मंत्रियों पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात की निंदा करती है और प्रदेश के लोगों को इस तरह से डराने व धमकाने का काम कभी नहीं करने देगी। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री 2018 में हुए फर्जी डिग्री मामले में भी सत्य सामने रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने ये मामला उठाया है, उस पर मुख्यमंत्री को सच सामने लाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि किस तरह का घोटाला हुआ है। कल हिमाचल प्रदेश में प्रदेश व्यापी एक जनमंच चल रहा है, जिसका जिम्मा अलग अलग मंत्रियों को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है, लेकिन वो एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वो जनमंच नहीं, जो वो भाजपा के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने जो अपने तेवर दिखाए जनमंच में आए हुए उन शिकायतकर्ताओं को, जिससे तो ये जाहिर हो रहा है कि जनमंच की बजाय झंड मंच है। मैं तो इसको झंड मंच बोलूँगा, क्योंकि लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो दर्द है, वो दिखाई दे रहा है, शलकता दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे जो बागवानी मंत्री हैं वो अपने तेवरों से ये दिखाना चाहते हैं कि ये राजनीति लोकतंत्र नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप है, जिसमें लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि प्रजातंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसका कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और मैं प्रदेश के मुखिया से ये आग्रह करूँगा कि जगह जगह मंत्रियों के जो विवादास्पद बयान आ रहे हैं, उनके ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो दूषित होती जा रही है, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति कभी भी ऐसा किसी को अलाउ नहीं करती है कि आप लोगों के जिनके द्वारा आपको ये कुर्सी मिली है, जिनके द्वारा आपको चुना गया है, वो उनको आप धमकाओ और डराओ, ये ऐसा कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं होने देगी। और जिसके लिए हम जनता के साथ हैं, जनता का साथ निभाने के लिए हम तत्पर हैं। मैं तो ये जो पीछे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने 2008 की जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिखा बोला, उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि उनका जो आग्रह है, उनके आग्रह के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और जो 2008 का जो फर्जी डिग्रियों का जो मुद्दा है, उसको उजागर करिए, ताकि जनता को ये पता चल सके कि ये कैसे हुआ। क्योंकि लोगों का बच्चों को पढ़ाने के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा आता है, लाखों रुपया खर्चा आता है, वो लोन लेकर लोगों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद वो डिग्रियां करते हैं, लेकिन यहाँ तो डिग्रियां पैसों के उसमें जो मिल रही हैं, उसमें ना तो लोगों जो मतलब लोगों का जो गाढ़ा, जिसको मैं ये कहूँगा कि संचय, धन संचय है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जब भी जो डिग्री लेके जो बच्चा आएगा, वो उस डिग्री से क्या करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इसके ऊपर अंकुश लगे और ये जो फर्जीवाड़ा है, इसको उजागर किया जाए। धन्यवाद।